एक दिन एक ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा, वो अमीरों और गरीबों के बीच की दीवार गिराएगा, वो योद्धा मरेगा नहीं मारेगा। इस धांसू डायलॉग के साथ टाइगर श्रॉफ लेकर आए हैं गणपत का धमाकेदार ट्रेलर। अब ट्रेलर आने के बाद सवाल ये है कि पैंडेमिक के बाद क्या टाइगर श्रॉफ अपनी 7 करोड़ की बेस्ट ओपनिंग को पीछे छोड़ देंगे। हाय गाइस, मैं हूं मनीषा और अभी हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की गणपत के बारे में। तो चलिए देखते हैं गणपत के ट्रेलर का बॉक्स ऑफिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में से एक है, लेकिन अब तक उनके लिए चीजें ठीक नहीं हुई है। अब अपकमिंग फ्राइडे को रिलीज होने वाली उनकी गणपत के साथ एक्टर बॉक्स ऑफिस पर वापसी की उम्मीद करेंगे। इस फिल्म में उनके अलावा कृति सेनन और अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में हैं। जहां तक फर्स्ट डे का सवाल है, वही मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके ट्रेलर ने कितना इम्पैक्ट डाला है। टाइगर श्रॉफ की लास्ट फिल्म हीरोपंती 2 के कंपैरिजन में गणपत का ट्रेलर काफी बेहतर है और फिल्म में जबरदस्त एक्शन भी होगा, ये भी इससे कंफर्म होता है। आपको बता दूं कि टाइगर को आखिरी बार हीरोपंती 2 में देखा गया था, जो ईद 2022 पर अजय देवगन की रणवीर 34 के साथ क्लैश हुई थी। उस वक्त बॉलीवुड का टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, दोनों बड़ी फिल्में उम्मीद से काफी कम खुली, लेकिन टाइगर ने अपने सीक्वल के साथ अच्छा कलेक्शन किया। जबकि बुरे दौर में भी टाइगर ऑडियंस को थिएटर्स में लाने के लिए कामयाब हुए और उनकी फिल्म ने फर्स्ट डे 7 करोड़ की कमाई की। अब जैसा कि बॉलीवुड अपने सॉलिड फेज को एंजॉय कर रहा है, तो शायद चीजें टाइगर श्रॉफ के गणपत के साइड में हो सकती है। कुछ दिन पहले फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, इसमें कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखा। टाइगर श्रॉफ भी सेम एक्शन फिल्मों के जोन में ही आते हैं, जबकि गणपत के प्रोमो में भी कुछ खास दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, हीरोपंती 2 के कंपैरिजन में गणपत का ट्रेलर काफी बेहतरीन है। फिर भी एक्टर को अमेजिंग एक्शन करते देखना हम हमेशा एंजॉय करते हैं। फिल्म अपने रिलीज से सिर्फ 8 दिन दूर है और अभी इतना लेट ट्रेलर को रिलीज करना शायद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी सिर्फ कुछ ही फिल्मों के लिए काम करती है जिनकी हाइप ज्यादा होती है और ऑडियंस को ऐसी फिल्मों के रिलीज के बारे में पता होता है, जैसे कि जवान या पठान। सो ट्रेलर के इम्पैक्ट को देखकर ऐसे लगता है कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत अपने फर्स्ट डे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5-8 करोड़ के बीच ओपनिंग करेगी। भले ही प्रोडक्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, हीरोपंती 2 में सीक्वल फैक्टर काम कर गया था और अब तो गणपत एक फ्रेश फिल्म है, लेकिन ओवरऑल इसके प्रमोशन पर डिपेंड होगा कि फिल्म ये बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी। वेल, आपको क्या लगता है, क्या आप टाइगर श्रॉफ की गणपत को देखने के लिए तैयार है? डू कॉमेंट एंड फॉलो कोई मोई। koimoi.com